हेलो गाइस, वेलकम बैक आर एच डी एडिटिंग जोन। सो गाइस, आज हम बनाने वाले इस फोटो को और करने वाले रिटचिंग। सो गाइस, चलिए आगे देखते हैं। तो ये रहा गाइस हम लोग का फोटो। अभी हम सेंड कर लेते हैं लाइट रूम के अंदर। गो टू लाइट रूम। सो गाइस, आप ऊपर से स्क्रॉल कीजिए और ये देखिए लिखा हुआ इंपोर्ट फिनिश। तो इसको करने के बाद गाइस आपको और फोटोज में आ जाना। आने के बाद आपको फोटो जहाँ पर है उसको चूज़ कर लेना, जैसे कि मेरा यहाँ पर है, तो इसको आप कन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये आ चुका है। आप देखिए एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा और ध्यान से बढ़ेगा। मैं जैसे जैसे करूँ आप वैसे कीजिएगा। बिल्कुल आपको कर लेना है बिल्कुल 49। तो अच्छा से कीजिए। 49 करने के बाद गाइस कंट्रास्ट को है उसको जो है -3 पर लेकर आइएगा। ठीक है गाइस, -3 पर आने के बाद हाईलाइट को आपको 55 कर देना है। उसको माइनस कर दीजिए, हाँ बिल्कुल इतनी सी। उसको शेडो को आपको प्लस करना है 19। ओके, शेडो को आपको 19 करना है। एक सेकंड, मैं इसको पहले करता हूँ। इसको शेडो में चलते हैं। ओके, शेडो को कर लेते हैं 90। हाँ इतना सही नहीं है। और तो एक एक हाँ, तो अब वाइट को कर लेते हैं माइनस, वो भी 16। अरे बाप रे, मच्छर काट रहा। तो अब हो गया, बचा ब्लैक। इसको माइनस को 24 करेंगे। तो ये 24 हो चुका है। अब चलो इसे हम ओके कर लेते उसके बाद आपको टेम्पल को जो है वो प्लस 9 कर देना है उसको। उसके बाद टिटिन को है जो टिटिन का लिखा हुआ जो प्लस, उसको 6 कर देना है। और उसके बाद 6 करने के बाद इसको वाइब्रेंस को आपको कर देना है प्लस 21 को कर दीजिए आप प्लस 5। बस 5 कर दीजिए एक और। चलिए 5 हो गया, 6 कर दिया यार। वीडियो अगर थोड़े से अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक मार दो। चलो कोई बात नहीं। तो हम कलर पर आते हैं, जैसे कि आ गए हम बिल्कुल रेड पर। तो रेड पर हम पहले एक नंबर पर करेंगे -32। ठीक है गाइस, आराम से 32। और सैचुरेशन को जो नहीं लिखा हो सैचुरेशन, उसको हम बढ़ाएंगे 10। उसको बढ़ाएंगे नहीं, इसको माइनस करेंगे 10। ठीक है, तो चलिए हम उसको पहले 10 कर लेते हैं। ये रहा 10। 10 करने के बाद गाइस आपको ऑरेंज में आना। ठीक है, चलिए ऑरेंज पर आके उसको जो करना है उसको सैचुरेशन जो है उसको -58 पर करना है। ठीक है, चलिए मैं दिखा रहा हूँ -58। चलिए ये रहा 58 हो गया। उसके बाद आपको जो येलो पर आना है, ठीक है, येलो पर आने के बाद इसको ह्यू का जो है उसको फिर से वही 54 करना माइनस। तो ये रहा जो 54। और आपको जो सैचुरेशन है उसको +36 करना है। ठीक है, सैचुरेशन को कर लेना आपको 36। तो आपको जो ग्रीन पाने के बाद आपको आपको सैचुरेशन पर आपको कर लेना है 57+। बिल्कुल हाँ, 57+। उसके बाद आपको जो पारी आएगी नियन ब्लू का, मैं बताऊंगा पहले कर लेते हैं। आते हैं फिर नियन ब्लू पर आने के बाद बिल्कुल आपको 61 कर लेना। ऑन करने के बाद आपको जो है ये आफ्टर बिफोर आप देख सकते हो, ये देखो आफ्टर बिफोर। तो अब जो है आपको ब्लू पर आना। ठीक है गाइस, बिल्कुल आप ब्लू पर आने के बाद बिल्कुल आपको पहले ह्यू का है जो उसको जो 3 माइनस करना है 3। अब उसको सैचुरेशन जो है उसको प्लस करना है 12। बिल्कुल थोड़ी इधर इकट्ठा हो भाई। ओके 12। अब उसको जो आपका है बैग, इसका वो नहीं पता क्या बोलता है इंग्लिश में, तो बैगों ने जो है उसको जो करना -47 और सैचुरेशन को 18। तो 47 पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद माइनस कर देते हैं सैचुरेशन को 18+। ठीक है, इसको 18 और एक 18+ करने के बाद गाइस इतना हो गया। आप लास्ट पिंक बचा उसको आप कुछ भी कर सकते हो, उसका कोई से काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उसको -1 पर किया, उसको माइनस नहीं भी करना चाहिए चलेगा। तो इधर आने के बाद कैसे आपका ये हो गया। ये अभी उनका डोंट करना, डोंट करने के बाद उसको एक और बार डोंट कर देना है। उसके बाद आपको आ जाना है, मैंने देख आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर फोटो कितनी चेंज हो चुकी है। तब जो है टेक्चर, इसको जो है टेक्चर को है जो माइनस की तरफ लेके आना है, बिल्कुल इतना कर देना है 45। उसको क्लैरिटी, क्लैरिटी को भी घटा दीजिए, उसको 25 कर दीजिए। इस दोनों में पता है इस दोनों में होना क्या, होने हुआ हुआ क्या, आप देखिए ठीक से देखिए फेस को जो है ना पूरा स्मूथ हो गया, फेस कपड़ा या फिर बैकग्राउंड कुछ भी देखो स्मूथ हो गया। इसके बाद आप चलते हैं दहेज, इसको भी आप प्लस
नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा प्लस करके 10। उसके बाद विग्नेट को जो है साइड जैसा जो काला हो ना, वो उसको विग्नेट बोलते हैं, तो उसको -73 कर दें। उसके बाद मिड पॉइंट उसको 15, और जो ये तो फैदर है उसको बिल्कुल 64, और इसको जो है राउंडनेस इसको 4 फिर रहने दें। उसके बाद देखते हैं क्या है। चलो उसके बाद फिर उतना कुछ है नहीं, डोंट कर लेते हैं इसको। डोंट करने के बाद बिल्कुल आपको गाइस बिफोर आप देख सकते हो, और ये रहा आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। सो अब इसको चलते हैं, देखो जूम करके देख लेते हैं कितना मस्त लग रहा है यार फोटो। क्वालिटी देख रहे हो इसका? अरे भाई मर गया भाई, मैं तो मर गया। तो यार एक लाइक अगर का आप इस बनती वीडियो को है, नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे आपको जो आंसर या फिर क्वेश्चन है वो लिख दीजिए। सो गाइस चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए बाय, टाटा, सी यू। सो उससे पहले रुक जाइए, रुक जाइए, मैं मजाक कर रहा था। उससे पहले देख लीजिए कि इसको जो करना क्या है। तो इसको शेयर पर आइएगा, शेयर पर अगर सेव टू डिवाइस तो फोटो सेव हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। बस इतना होने के बाद आप पूरा जहाँ भी अपलोड करना है कर दीजिए, या फिर वीडियो बना लीजिए। तो और एक सब्सक्राइब करने के बाद गए बिल्कुल घंटा को अगल पर सेट ज़रूर कर दीजिएगा। चलो बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।